और इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। अपर्णा यादव बीजेपी से उनकी नाराजगी की खबरों के बीच जानकारियां मिल रही है। अपर्णा जल्द अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात कर सकती हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, सूत्रीय बता रहे हैं। सिफई में मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में पूरा परिवार इकट्ठा होगा। आप जानते हैं इसी जुलाई में लखनऊ में मेदांता में अपर्णा के प्रति प्रतीक को देखने अखिलेश और डिंपल दोनों गए थे और अब जानकारी मिल रही है कि अपर्णा यादव की जल्द अखिलेश यादव डिंपल यादव से मुलाकात हो सकती है। और इस बीच अपर्णा को लेकर इशारों में अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी में सभी पद अपनों को दिए जाते हैं, यह कहना है अखिलेश यादव का। क्या बीजेपी औरों को योग्य नहीं समझती? पद स्थापना का आधार न्याय हो, जाति ना हो। बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है अखिलेश यादव ने अपर्णा के बहाने। अखिलेश कह रहे हैं कि पद स्थापना का आधार न्याय हो, जाति ना हो। तो अपर्णा यादव के मामले को भी अखिलेश यादव ने वही जाति का मुद्दा बनाकर योगी सरकार की घेराबंदी कर दी है, बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। क्या बीजेपी औरों को योग्य नहीं समझती? ये सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। बीजेपी में सभी पद अपनों को दिए जाते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से अपर्णा यादव को लेकर इस समय का अपडेट क्या है। क्या अपर्णा यादव मन बना चुकी हैं? जिस तरीके से खबर आई है कि अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव से उनकी मुलाकात होने वाली है, अभिषेक? रोमाना, सोर्सेज ये बताते हैं कि अपर्णा यादव इस समय एग्जैक्टली नदी के बीच में हैं, दोनों ही किनारे उनके पास हैं, वो जिस किनारे चाहें जा सकती हैं। और बड़ी बात ये है कि आज उनकी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, जिसमें उन्होंने खुलकर के अपनी नाराजगी को प्रकट किया है। इसके पहले कल उनसे बेबी रानी मौर्य, जो उनके विभाग की जो उनको दिया गया है महिला कल्याण की मंत्री हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था, लेकिन उससे भी वो नहीं मानी है। मैं आपको अपडेट एक और दे दूँ, दयाशंकर सिंह जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, वो बाकायदा अपर्णा के घर पर उनको मनाने गए थे, लेकिन वो उसको भी नहीं मानने को तैयार नहीं हुई हैं और उनको दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। और 9 अक्टूबर को नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। रोमाना, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसमें बाकायदा मुलाकात होगी अपर्णा यादव की अखिलेश यादव और डिंपल यादव से, और वो उनके संपर्क में भी हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इसी जुलाई में मेदांता लखनऊ में अपर्णा के प्रति प्रतीक वहां भर्ती थे, तो बाकायदा अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनको देखने भी वहां पर आए थे। ये सिर्फ 2 महीने पुरानी बात है, तो वो संपर्क उनका लगातार बना हुआ है। और ये जो हुआ है इस बात से, जो अपर्णा के साथ जो ये जो उनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, शिवपाल यादव से उनकी बात भी हुई है और उसके जरिए वो कनेक्टेड भी हैं। तो ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है और वो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो बीच में हैं और वो किसी भी किनारे जा सकती हैं। जैसा ही उनको आगे का आश्वासन मिलेगा, उसी मुताबिक वो रास्ता तय करेंगी। ठीक, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।